हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ वेरी एक्साइटेड मॉर्निंग है बिकॉज कल हमारी छुट्टी है और कल दशहरा भी है। तो कल कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कहीं ना कहीं क्या मुझे पता करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज जो पहले था वो कोरोना के बाद नहीं है। तो मतलब कि जैसे कल हमारे साथ हो गया, हम जहाँ पे गए थे, जहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति बनती थी, पूजा होती थी, बड़ा कुछ होता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमें मंदिर जाना पड़ा, है ना। तो मे बी शायद कल जो है यहाँ पे ना रावण जलेगा, है ना अंजलि। तो ये नहीं पता, तो वो फाइनली पता करना है, तो पता करते हैं पहले आज, है ना, इवनिंग में। एंड ये रही हमारी मोटी, सी इज मेकिंग सम पूरीज, पता नहीं मुझे क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मार रहा हूँ बीच में, है अंजलि। नहीं ल इतनी बढ़िया से बात कर रहा हूँ मैं, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, खराब हो गया तुम्हारा, भेजा फ्राई हो गया क्या है, सुबह सुबह पूरी बना रही है और मुझे कह रही है कि मेरा दिमाग खराब है। हाँ तो सुबह सुबह बन रही है, ये मनी का भेजा और ये मैं ऐसे फ्राई कर रही है, कर ले फ्राई। यार सीरियसली पहले इस रूम में ना किरण नहीं आती थी, धूप नहीं आती थी अंजलि, फिर से आने लगी यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, मतलब आज तो और ज्यादा आ रही है ना, मुझे लगता है जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है वैसे वैसे किरण भी बढ़ रही है। और सही बताओ तो आज खाने में हमारे यहाँ बन रहा है आलू परवल की सब्जी और पूरी, ये हमारे बिहार का फेवरेट खाना है, है ना। बिहार का फेवरेट खाना पूरी, खीर और पनीर की सब्जी। आलू परवल का कहीं नाम नहीं है, है? नहीं। तो बेटा सब आलू परवल ना पूरे अपने घर का नहीं होता, पूरी दुनिया का लेना होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं बोल सकती। पूरे बिहार में जब शादी होती है ना तो आलू परवल की सब्जी बनती बनती है या आलू गोभी की बनती है, तो वो होता है फेवरेट। ऑफ कोर्स यार शादी में जो बनता है वही फेवरेट होता है यार, इसलिए ऐसे नहीं बोल सकती तुम। क्या देख रहे हो मनी? हाँ कुछ नहीं देख रहा था, लेट नहीं हो रहे मनी? अच्छा पता क्या देख रहा था, एक ना अंकल थे को अपनी छोटी सी बच्ची को लेके जा रहे थे, वो रो रही थी, मम्मी कर रही थी, उसका पापा बोल रहा था बेटा पूरी खा ले बेटा। हाँ 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 मैंने भी सुना है, सुना अभी दस्त अभी गए थे। तो वही देखा, मतलब कौन सी बिल्डिंग में वो रहते हैं, इतनी रोशनी आ रही है कि आपके फेस पे पड़ रहा है। यू नो सुबह सुबह फेस yes, पे yes, धूप पड़ना yes. बहुत अच्छा होता है हाँ. आंखों के लिए, फेस के लिए विटामिन डी मिलना चाहिए बिल्कुल। तो और जो कि आप नहीं करते ये काम, दिल गलती कर बैठा है अब नहीं हो सकती है गलती, अब मैं ले रहा हूँ एक्चुअली। तो मनी का अभी सजना सवरना हुआ नहीं है, अभी सज सवर रहे, उसके बाद खाना खाने आएंगे। पैंट पहन रहा हूँ, सज सवर नहीं है, जीन्स कहते हैं मनी, कितनी बार मैंने बोला पैंट नहीं, जीन्स अलग बात है। ओ यार पैंट ही है ये, ठीक है मनी का जीन्स पैंट एक ही है। हाँ मनी फिर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा आज कहीं लेके जाने, आज कहाँ जाएगी, पिछली बार का मुझे याद है दशहरा पे, नहीं पिछली बार तो मैं अपने घर पे थी, उससे पिछले बार ये मूवी देखने ले गए थे, दिखाने भी, देखने या दिखाने, दिखाने। Are you sure? मैं श्योर हूँ मनी, गुलशन भी था अपने साथ, अच्छा तो गए थे ना मूवी देखने के लिए, तो इस बार भी बना लो मूवी का प्रोग्राम। नहीं कोई मूवी नहीं लगी, अच्छी सी मूवी लग नहीं थी ना आजकल, सच्ची में कोई मूवी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप लोग, आज का दिन है ये जो ऐसे लगाया जाता है, जब हम गाँव में थे ना बचपन में, है ना, बच्चे थे बचपन में, वैसे सभी बच्चे ही होते हैं, तो वहाँ पे ना सभी बड़ों को देखता था मैं, यार ये क्या लगाया हुआ, ये क्या लगा हुआ है यार, हमें तो कोई देता नहीं लगाने के लिए। फिर धीरे धीरे पता चला कि जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे ये ना उगते हैं, तो पंडित जी देते हैं सबको लगाने के लिए, है ना। तो फाइनली आज हमने घर पे ही लगाया और ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, इधर मुंह तक आ रहा है मेरा। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, नहीं अभी जो और अंजलि को, और अंजलि को भी मैंने इसलिए बुलाया है अभी कि जो मेरी मैडम है ना, जो मेरी मैडम है जो हमारे साथ काम करते ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, कि जो लोग क्लीनिंग करते हैं ना, क्लीनिंग काम की क्लीनिंग छोड़ दू, जो लोग क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं ना, तो उनका ब्रेन ना बहुत शार्प होता है, पता है तुम्हें ये बात? नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। तो मुझे मैडम ने ये क्लियर करके बताया था कल ही कि जो लोग क्लीनिंग करते हैं ना, तो मुझे कह रहे थे मनीष तुम क्लीनिंग करते हो, मैंने कहा जी मैडम मैं अपनी मैडम की हेल्प कराता हूँ घर पर, है ना,
कराता भी नहीं कराता, बर्तन क्लीनिंग हो गए या फ्लोर क्लीनर हो गया या कुछ भी हो गया है ना, तो मैं क्लीन करता हूँ इसीलिए कि ताकि मेरा ब्रेन शार्प हो जाए। सच्ची कह रहा हूँ। चलो चलो रहने दो, मेरा तो शार्प हुआ नहीं इतना करने के बाद, आपका क्या शार्प होना है? तुम कम करती हो ना, तो इसलिए मैं ज्यादा करता हूँ मतलब कि क्लीनिंग। तो आप लोग भी घर पे क्लीनिंग किया करो है ना, ताकि आप लोग का भी माइंड शार्प हो जाए। तो ट्राई करके देखना, क्या पता एक महीने ट्राई करो, क्या पता माइंड शार्प हो जाए आप लोगों का भी। तो और कमेंट करके जरूर बताना अगर शार्प हो जाए तो, नहीं हो जाए, नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, वो समझ लेना कि ट्रायल चल रहा था आप लोगों का। तो अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो ऑफिस चलते हैं, मिलते हैं फिर इवनिंग में। बाय बाय। अभी हो चुका है शाम हो गई है, इवनिंग हो गई है, ऑफिस से छुट्टी हो गई है, कल दशहरा है, कल भी छुट्टी है। याद आया कुछ? कुछ याद आया तुम्हें? मनी आए हुए हैं अपना लालटेन दिखवाने के लिए, बिहारी लैंग्वेज में पता है ना लालटेन किसको कहते हैं? इनके चश्मा को, तो इनको अपने चश्मे का पावर बढ़वाना है ना, क्योंकि इनको इसमें भी अच्छे से दिखाई नहीं देता। कुछ भी बोल दोगे मतलब ब्लॉग में है? मुझे दिखाई देता है इसका, एक्चुअली थोड़ा सा रबर जो होता है ना वो टूट गया। वही बात है, रबर नहीं इसका शीशा। शीशा ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल ओके है। अच्छा ठीक है, जाओ आप। जैसे कि कंप्यूटर पे काम करना है तो ये हो गया, वहाँ धूप में जा रहे हैं तो ये हो गया। कैसा लगा? अंधी नहीं है अंजलि, प्लीज एक बार एक फोटो खींचता हूँ, देखिए देख। तो मनी तो अभी आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अंदर ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं स्पेक्स, अब फिर से उनको और भी चाहिए। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, करवा दिया एक्सचेंज? ये अभी दिया है, अभी उन्होंने बोला है 3-4 दिन लगेंगे, पता लग जाएगा शायद एक्सचेंज हो जाए। फ्रेंड्स सही बताऊं तो मेरा ना भी दिल आ गया था स्पेक्स पे, बट आप लोगों को पता ही है बट हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैंने अपनी स्पेक्स जो थी अभी इनको रिटर्न अंदर दे के आए हैं, रिटर्न करने के लिए मैंने डाला, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। रिटर्न करने नहीं, अपनी आंखें, एक दो दिन में पता लग जाएगा कि अब कौन सी आंखें लगनी है। हो गया तो ठीक है, हो गया अगर एक्सचेंज तो नया मिल जाएगा, नहीं तो पुरानी आंखें ही रहेगी। यस yes. चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आज इनका घर जाने का मन है भी या नहीं है। देखे कहाँ घूम रहे, तुम जा ही नहीं रही हो अंजलि, क्या हो गया तुम्हें? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, ये कर रही हूँ, मुझे क्यों दिखा रही है? मेरे पति को सद्बुद्धि देना। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ क्या जो सद्बुद्धि देना? फाइनली अभी रूम पे आने के बाद यार आई एम टायर्ड, वो तो है ही। ये बाल देख मैं कैसे खड़े हो गए, ये क्रूर सीन लग रहा हूँ मैं तो। मेरा तो ना वहाँ पे दिल आ गया था स्पेक्स पे, 3000 के थे वो है ना, और उसमें पावर भी था, स्क्रीन प्रोटेक्शन भी था, और ऊपर से ना वो था क्लिप ऑन था है ना, जब आप जैसे बाहर निकल रहे हो धूप में निकल रहे हो ना, तो उसके ऊपर से भी स्पेक्स मतलब एक दो शीशे थे वो लग जाते, क्लिप हो जाते हैं ना, बहुत सही चीज़ थी। आप लोग को भी लेना हो तो यार लेंसकार्ट पे ट्राई कर सकते हो, या लेंसकार्ट के शोरूम में जा सकते हो। और उसमें एक और ऑफर था, बाय वन गेट वन फ्री, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ लोगों को है? तो बाय वन गेट वन फ्री भी था उसमें, मतलब अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप बाय वन गेट वन फ्री ले सकते हो, मतलब 3000 में 2 ले सकते हो। तो हमने लिया था 3000 में 2, तो पहले ही ना पसंद कर लेना था ना। तो अभी अंजलि और मेरी थोड़ी सी झड़प हो गई है, अंजलि कह रही है कि जो आपने बोला वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने बोला कि मैंने बोल दिया कि मुझे तू पसंद नहीं है, मुंह उधर कर ले। तो वो देखो कैसे मुंह बना करके लेटी हुई है, ये रूस गई अंजलि, ओले ले 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 ओले अंजलि, ओले ले 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 ले, मत्र मत्र, यार आंसू तो निकल नहीं रहे वैसे, ओले ले 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 ले, ओले ले 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 ले, हो गया रोया हुआ, चल खाना बना ले। तो अंजलि जी जो रूसी हुई हैं उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, पूछूं? बोलो ना। तो अंजलि जी आपके लिए क्वेश्चन है कि लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है,
बताइए। अरेंज मैरिज, हाँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे हो। क्या देख रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आ रही है क्या? मैरिज में दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी की लड़की या लड़का अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल फ्री है। और हमारा देख लो क्या, हमारे क्या जंजीर लगी हुई है, हैं? हम फ्री नहीं है। फ्रेंड्स आप ही लोग ही बताओ, है ना, कि क्या हमारे कांटे लगे हुए हैं, है, अरेंज मैरिज में क्या हम खुश नहीं है? आप ही तो बोले थे कि जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, उधर मुड़ जाओ। तो ये अरेंज मैरिज में होता है, तो ये अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं और दोनों खुश रहते हैं। एक मिनट यार चुप रहो। और अरेंज मैरिज में शादी तो कर लेते हैं, शादी के एक महीने बाद बोलते हैं तुम्हारा थोपड़ा अच्छा नहीं है, तो खाना नहीं बनाना आता है, तो तुम पानी नहीं ला के दे सकती है, मतलब बथेरे शिकायत होगा कि तुम कपड़े नहीं धो सकती, तुम कपड़े साफ से नहीं धोती। और लव मैरिज में ये होता है, गंदे कपड़े भी होंगे, बीवी तुमने तो कपड़े बहुत अच्छे से धोए हैं, खाना जला सा होगा तो कहेंगे बीवी तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी फायदे है ना, मतलब ये होता है। और अरेंज मैरिज में कितना भी अच्छा खाना बना के नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, है ना, और कपड़े बनाने नहीं आता है, मम्मी पापा ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है, बिल्कुल। और कपड़े अगर धो दो तो कहेंगे तुम्हें धोना नहीं आता कपड़ा, कैसे तुमने कपड़ा धोया हुआ है, तुमने प्रेस नहीं करा ठीक से, 50 बस कर, लग गया सबको पता लग गया, हाँ बस जाओ दफा हो जाओ, मुंह उधर कर ले, अरेंज मैरिज वाली चल मुंह उधर कर। क्या हो गया, इतना विकास के नहीं मारे, एक बात बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का फर्क, ठीक है ना। तुम ज्यादा बकबक कर रही थी, बर्तन धोने, खाना बनाना, नाटक बतिया रही थी इतना ज्यादा। हाँ। कुछ बोलो तो ये भी बोलेंगे नाटक बतिया रही है, तो क्या नौटंकी बतिया रही है, ऐसे करके बोलेंगे। और लव मैरिज में कभी भी नहीं, उससे बातें करो तो बोले बीवी तुम बोलते रहो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, साधु संत मत बनल करो, ठीक है ना। अच्छा मैं तो ऐसे कर रहा था ना, एक हाथ इधर चला गया था थप्पड़ मारने के लिए। आप लोगों को डिफरेंस ये होता है कि भाई, और ये क्या है, ये अपुन का पगड़ी है। डिफरेंस ये होता है कि लव मैरिज में ना बंदा खुद जाकर के कुएं में कूदता है, और अरेंज मैरिज में 10 आदमी लेके जाता है, उसको उठा के कुएं में बिक देता है ना। तो ये है भाई डिफरेंस, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप लोग ये बताना कि जो मैंने कहा था वो सही है या जो मैडम कह रही थी वो सही है, मतलब किसका हो गया। वहीं पे आई बात, वहीं पे आई, तभी तो लड़ाइयाँ होती है, बिकॉज लड़के को जबरदस्ती शादी के लिए भेजा जाता है। हाँ, और लव मैरिज में खुद जाके कूद जाता है। बात एक ही है, तुम गलत बोल रही हो। शादी होती है तो लड़के 200 लोगों को लेकर आते हैं, और लड़की की शादी होती है तो वो अकेले ही जाती है, बताओ। हाँ एकदम, मतलब तुम बहादुर हो, तुम ही हो सब कुछ। ऑफ कोर्स मैं बहादुर हूं। हाँ। आप तो अपने सैनिक दल के साथ आते हो और अच्छा। हम अकेले जाते हैं अपनी तो जंग पे। क्या करें, लेने भी तो जा रहे हैं पहाड़ को, पहाड़ लेके आएंगे तो अकेले कैसे लेके जाएंगे, लाना पड़ेगा 4-5 को आदमी को, 10 मनी। अगर यही शर्ट में उठा के और ऐसे घुमा के फेंकती तो कहीं, हम तुमको घुमा करके उधर फेंक दिए तो लड़ाई ना हो जाए। अभी बात अभी तुमने फास्ट किया था, कल लगता है ज्यादा खा लिया है तुमने, है ना, बहुत ज्यादा बोल रही है, एकदम लड़ने के मूड में लग रही है, आँख काला काला लग रहा है, नींद पूरा नहीं हुआ है, मुंह